हे गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल नाइट्स। फ्रेंड्स, ईस्ट बंगाल एफसी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के मिडफील्डर इमरान खान के साथ नेगोशिएशंस चालू कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, इमरान खान जिन्होंने लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ खेलते हुए अंडर द कोच खालिद जमील। इमरान खान के बारे में हम और बातें करेंगे, बट उसके पहले हम आपको एक अपडेट और देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट है रिगार्डिंग ईस्ट बंगाल एफसी न्यू इन्वेस्टर इमामी ग्रुप। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो टसल चल रही थी बिटवीन दी बोथ पार्टीज, आई मीन ईस्ट बंगाल एफसी और इमामी ग्रुप को लेकर, जो शायद अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टसल है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुकी है दोनों पार्टीज़ के बीच में। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, ईस्ट बंगाल एफसी की मैनेजमेंट रेडी हो गई है डील को साइन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तभी ईस्ट बंगाल एफसी ने चालू कर दिया है प्लेयर्स से नेगोशिएशंस करना। रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के प्लेयर इमरान खान, जिन्होंने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया था लास्ट सीजन, उनके साथ बात चालू हो गई है। शायद ये जो डील है हो भी जाए, बट अभी हम कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते हैं बिकॉज दीज आर जस्ट र्यूमर्स राइट नाउ। बट हाँ, अगर ये डील होती है तो ईस्ट बंगाल एफसी और उनके फैंस को काफ़ी खुशी होनी चाहिए, बिकॉज अगर इमरान खान साइन करते हैं ईस्ट बंगाल एफसी के साथ तो फिर वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं और शायद गेम चेंजिंग इंडियन प्लेयर भी हो सकते हैं ईस्ट बंगाल एफसी के लिए। ठीक है दोस्तों, ईस्ट बंगाल एफसी के आर्च राइवल्स एटीके मोहन बगान ने तो अपनी तैयारी पूरी कर ली है, बिकॉज उन्हें खेलना है एएफसी कप के नॉकआउट राउंड्स में। दैट्स वाई ईस्ट बंगाल एफसी को भी एक अच्छी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी इस सीज़न, क्योंकि एटीके मोहन बगान की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी टीम में आधे से ज़्यादा तो इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स खेल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आधे से ज़्यादा जो टीम के प्लेयर्स हैं इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और आने वाले सीज़न में क्राउड्स की भी वापसी होने वाली है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होने वाला है। जो कोलकाता डर्बी होगी उसमें भी फैंस आने वाले हैं, तो ये सब देखते हुए ईस्ट बंगाल एफसी को अच्छी टीम बिल्ड करनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, बस इतना ही था इस वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फुटबॉल नाइट्स। थैंक यू।